देश भर में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यहां पर यह है कि इस बार बड़ी संख्या में डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर इसी रफ्तार से डॉक्टर बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आए तो हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से चरमरा जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डॉक्टरों पर कोरोना का कहर, तीसरी लहर में डॉक्टरों पर अटैक। अब तक देश भर में 1000 डॉक्टर पॉजिटिव। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,928 केस सामने आए हैं। देश में बुधवार की तुलना में 56.5% ज्यादा केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कोरोना की इस तीसरी लहर में बड़ी संख्या में डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, लखनऊ और पटियाला में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। देश में अब तक 1000 से ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ संक्रमित हो चुके हैं। डॉक्टरों पर कोरोना का अटैक। मुंबई में 230 रेजिडेंट डॉक्टर पॉजिटिव। झारखंड में 179 डॉक्टर मेडिकल स्टाफ संक्रमित। चंडीगढ़ के पीजीआई में बिगड़े हालात। पीजीआई में दो दिनों में 196 डॉक्टर कर्मचारी पॉजिटिव। पटना में 168 तो लखनऊ मेदांता में 25 संक्रमित। कोरोना की तीसरी लहर में भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संक्रमित है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 26,538 केस मिले हैं। महाराष्ट्र में मुंबई सबसे ज्यादा संक्रमित शहर है। ऐसे में मुंबई में बड़ी संख्या में डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। यहाँ पिछले 3 दिन में अलग अलग अस्पतालों में 260 रेजिडेंट डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। सियोन हॉस्पिटल में 30 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली के 4 अस्पतालों में 120 डॉक्टर पॉजिटिव। कोरोना की चपेट में दिल्ली में बड़ी संख्या में डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आ रही है। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में कम से कम 50 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। वहीं सफदरगंज में भी 26 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी पिछले कुछ दिनों में 45 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना की चपेट में आए हैं। इनमें 38 डॉक्टर शामिल हैं। वहीं दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में करीब 20 डॉक्टर कोरोना की चपेट में आए हैं। वहीं लोकनायक हॉस्पिटल में 60 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। चंडीगढ़ के पीजीआई में भी हालात बिगड़े गए हैं। पीजीआई में बड़ी संख्या में डॉक्टरों के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। यहां अब तक 146 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ संक्रमित मिले हैं। इसके कुछ और अस्पतालों में 50 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। ऐसे में यहां अब तक 196 डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं। झारखंड में भी हालात ठीक नहीं। झारखंड में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। आलम ये है कि सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में कोरोना के रिकॉर्ड केस मिले हैं। यहाँ डॉक्टर और नर्स समेत 189 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित पाए गए हैं। रिम्स में 1493 लोगों के सैंपलों की जांच की गई। इसमें से 245 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं रिम्स में 189 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।